तो बच्चों लोग, आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में। टॉपिक अपना नाम है मोलर कनेक्टिविटी। क्या है मोलर कनेक्टिविटी? ठीक है, जो कुछ डिफाइन कैसे क्या है समझो। यहाँ पे तो बोला गया कि मोलर कनेक्टिविटी का जो सिंबल है उसको ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है, लैम्डा सिंबल की जैसा सिंबल होगा। और यहाँ एम फॉर मोलर, यानी इसको बोला गया है मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोला गया है? मोलर कनेक्टिविटी। अब ध्यान देना, यहाँ जो मोलर कनेक्टिविटी है बेसिकली होता क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका मोल एक होना चाहिए, ठीक है। तो मोलर कनेक्टिविटी का मतलब सिंपल होता है कि आपके पास एक मोल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जो भी हो। एग्जांपल NaCl है, KCl है, L2SO4 हॉल थ्राइस है, ठीक है, K2SO4 है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक मोल आपको लेना है, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, और उसको प्लेस करना है वॉल्यूम भी में, वही वॉल्यूम में प्लेस करना है, ठीक है। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिंग पावर होता है ना, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिंग पावर होगा, कनेक्टिंग पावर होगा, उसको बोला गया है मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोला गया है? मोलर कनेक्टिविटी। या इस कनेक्टिंग पावर का मतलब सिंपल क्या होता है चलो, तो होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ वन मोल लाइट लेस इन वॉल्यूम भी, ठीक है, इसको बोला गया है आपका मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि के क्या होता है, तो हम लोग सीखे थे, ठीक है, कि अगर आपका आपका एरिया वन हो, ठीक है, आप लोग लास्ट क्लास में आपको सीखे होंगे आपका के और वॉल्यूम रिलेशन। मैं उसको फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग इतना सीखे थे ना, आप लोग सीखे होंगे कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है, लेंथ बाय एरिया होता है। अब रेसिस्टिविटी को उल्टा कर ले, ठीक है, और आर को इधर ले ले, ऐसा करने पे क्या होगा, वन बाय रेसिस्टिविटी, वन बाय रो इक्वल टू वन बाय आर, ठीक है, वन बाय आर। और यहाँ पे क्या होगा, एल बाय ए होगा। अब ध्यान देना, वन बाय रो को बोला गया के, इस के का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी। क्या होता है चलो, कनेक्टिविटी। और 1/r को बोला गया कंडक्टेंस, जी बोलते हैं, 1/r को बोला गया है कंडक्टेंस। और यहाँ क्या है, लेंथ बाई एरिया है, लेंथ बाई एरिया है। और लेंथ बाई एरिया के लिए हम लोग सिंबल भी यूज करते थे, क्या बोलते थे चलो, लेंथ बाई एरिया का मतलब होता है सेल कांस्टेंट, होता है सेल कांस्टेंट। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सिंबल जी स्टार। तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, इसको जी इंटू जी स्टार ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरा बोलना ये है, मेरे को इससे मतलब यहां से। उसको अगर आप देखते हो तो ध्यान देना, आपको पता है कि के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होने वाला है। अगर मान लेते हैं आपका जो सेल है इस तरह का है, सेल का जो प्लेट है, तो सेल का प्लेट के में जो लेंथ है लेंथ का वैल्यू को मान रहे हैं वन यूनिट। क्या मान लिया हम, वन यूनिट, ठीक है। और जो सेल का प्लेट का एरिया है, एरिया को मान रहे हैं वन यूनिट स्क्वायर। जिस भी यूनिट में, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, कुछ भी हो, उसमें आपका यूनिट होना चाहिए वन यूनिट मान लेते हैं आप, ठीक है। इस सेल के बीच में जो वॉल्यूम है, इस सेल के बीच में जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यहाँ जो वॉल्यूम का हम बात कर रहे हैं, उस वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का वैल्यू आप निकालते हो, और वॉल्यूम का वैल्यू निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल, क्या होता है चलो, ए इंटू एल, ठीक। अब आपका अगर एरिया वन होगा, वॉल्यूम एरिया वन होगा, आपका लेंथ वन होगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी हो जाएगा। अगर एरिया वन लेते हैं, लेंथ वन लेते हैं, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, वन इंट क्यू हो जाएगा, वन इंट के हो जाएगा। तो अगर अगर मान लेते हैं, इफ इफ एल
लेंथ इज वन यूनिट एंड एरिया इज वन यूनिट स्क्वायर, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा सेल का क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस केस में? वॉल्यूम हो जाएगा वन यूनिट क्यूब। अगर लेंथ एरिया को वन वन मानते हो, वहां पे लेंथ एरिया को अगर वन वन पुट करोगे तो न्यूमेरिकली क्या होगा? न्यूमेरिकली डायमेंशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों का अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है, बट न्यूमेरिकली क्या है इस कंडीशन पे न्यूमेरिकली क्या होगा? न्यूमेरिकली यानी मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकली जी इक्वल टू के हो जाएगा, के इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। तो k को आप g बोल सकते हो कब बोल सकते हो? जब आपका लेंथ हो वन यूनिट और एरिया हो वन यूनिट स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या है? दैट इज क्या होगा? वॉल्यूम होना चाहिए वन यूनिट क्यूब। क्या बच्चा? वॉल्यूम होना चाहिए वन यूनिट क्यूब इस कंडीशन के साथ, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते थे, ठीक है। तो ये रहेगा इन्फॉर्मेशन कि k को हम कैसे डिफाइन किए, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो लेमडा है, लेमडा यानी क्या बोला गया इसको? मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोला जाता है? मोलर कनेक्टिविटी। बेसिकली मोलर कनेक्टिविटी होता क्या है बच्चे लोग? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मोलर कनेक्टिविटी होता क्या है, तो कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट प्लेस इन वॉल्यूम भी, तो कंडक्टेंस ऑफ वन मोल क्या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन वॉल्यूम कहाँ पे? इन वॉल्यूम भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब k को क्या बोल सकते हैं? तो k को बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट क्यूब वॉल्यूम। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ वन मोल लाइट प्लेस इन वॉल्यूम भी, ठीक है। और जो k कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम जस्ट हम लोग सीखे थे कि बेसिकली क्या होता है, कंडक्टेंस होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टेंस होता है किसका? जब आपका वॉल्यूम क्या होगा? वन यूनिट क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होगा आपका? वन यूनिट क्यूब होगा। उस केस में के इक्वल टू क्या होगा? कंडक्टेंस होता है। के इक्वल टू क्या होगा चलो? कंडक्टेंस होता है, ठीक है। अब बोलो ध्यान देना कि अगर वॉल्यूम आपके पास भी है, मान लेते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम अगर मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ है और मान लेते हैं कि 5 meter cube ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसमें एक नंबर है और एक यूनिट है, तो नंबर को अलग कर ले तो 5 अलग हो गया और मीटर क्यूब क्या हो? 1 meter cube अलग हो गया, उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी वॉल्यूम को उसका नंबर को अलग छांट सकते हो और उसका यूनिट को अलग छांट सकते हो। अगर बोलते हैं 5 liter है तो 5 liter क्या होगा? तो 5 को अलग कर दे तो 5 into 1 liter कर सकते हो, 5 into 1 liter कर सकते हो। अगर वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम भी को हम लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम भी का जो भी है, भी को बाहर हटा दिए, भी तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो मैग्नीट्यूड को साइड कर दिए और उसका जो यूनिट है उसको अलग कर दिए, तो जिस भी यूनिट में होगा ऐसे लिख सकते हैं उसका 1 unit cube into v। तो कोई वॉल्यूम अगर भी दिया हुआ है, मान लेते हैं वॉल्यूम जो भी दिया हुआ है वो दिया तो भी यूनिट क्यूब, उसमें से क्या किया वॉल्यूम भी को यानी जो मैग्नीट्यूड है उसको छाटे अलग कर दिए, तो भी आप अलग लिख दिए, मैं भी को अलग लिख दिया इनटू वन यूनिट क्यूब अलग लिख दिए। तो किसी वॉल्यूम को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो देखो अब इसमें रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, आपका जो लेमडा एम है, लेमडा एम मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है उसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? कंडक्टेंस, देखो सिंपल सा बात समझो, यहाँ पे लेमडा एम क्या था? लेमडा एम बेसिकली एक मोल लाइट को अगर डालोगे भी वॉल्यूम में, अगर एक मोल लाइट को डालोगे भी वॉल्यूम में तो वहां जो कंडक्टेंस होगा उसको आप बोल सकते हो लेमडा, यानी मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोल सकते हो आप? मोलर कनेक्टिविटी। अब हम क्या कर रहे हैं,
अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम भी आपके पास है, एक मोलर फ्लाइट है, तो उसको उस वॉल्यूम भी को हम वॉल्यूम भी कैसे ले सकते हैं क्या? सिंपल सा बात है कि आपके पास मान लेते हैं कि वॉल्यूम भी में एक मोलर फ्लाइट है, वॉल्यूम भी में एक मोलर फ्लाइट है, तो वॉल्यूम भी को आंसर इसते हैं, वॉल्यूम भी कैसे ले सकते हैं, वन यूनिट क्यूब इंटू भी ऐसा ले सकते हैं हम लोग। तो सिंपल सा बात है ना कि अगर मैं जूम कर रहे हैं कि मेरे सेटअप में जो वॉल्यूम है उसमें एक मोलर फ्लाइट लिया हुआ है, एक मोलर फ्लाइट लिया हुआ है, इसका मतलब उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान दे मेरे पास, इसको ध्यान सुन। अब जो आपको पता है कि वी वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आपके पास अभी है, क्योंकि उसमें फ्लाइट का मोल एक है, तो उसका कंडक्टेंस को आप बोल रहे हो मोलर कंडक्टिविटी। अब उस वी वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हो, वी वॉल्यूम को वी को अलग छांट दे और वन मीटर को वन टू को अलग छांट दे। तो ध्यान देना, अगर पूरा वॉल्यूम का कंडक्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी आप बोलते, पूरे वॉल्यूम भी का जो कंडक्टेंस है उसको मोलर कंडक्टिविटी आप बोल सकते थे। अब उसको ऐसा लिख सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट की वॉल्यूम इंटू कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट की वॉल्यूम इंटू भी। अगर आपके पास भी यूनिट क्यू का कंडक्टेंस पता है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो ना कि एक यूनिट के का कंडक्टेंस कितना होगा, उसको अलग कर लिए इंटू भी कर देंगे, तो आपको पूरा आपको मिल जाएगा वी यूनिट क्यू का कंडक्टेंस मिल जाएगा एक बार में, ठीक है। तो आपके पास अगर वी यूनिट क्यू का कंडक्टेंस अगर आपको आपके पास है तो उसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि वन यूनिट क्यू का कंडक्टेंस क्या होगा, इंटू भी कर देंगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। अब आपको पता है कि वन यूनिट क्यू का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो इसको आप लेमडा एम के लिए नया एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, कनेक्टिविटी इंटू वॉल्यूम हो गया, कनेक्टिविटी इंटू क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एक नया आपके पास रिलेशन, यानी आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम जो है उसको आप देख सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट के वॉल्यूम इंटू भी, यानी वॉल्यूम जो है। अब जो वन यूनिट की जो वॉल्यूम है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, उसके लिए वर्ड यूज करोगे के यूज करोगे, के मतलब कनेक्टिविटी यूज करोगे, ठीक है। तो लेमडा एम के लिए एक नया रिलेशन हो गया के इंटू भी। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको पता है कि जो वॉल्यूम भी है, इस वॉल्यूम भी में एक मोल क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। आपके वॉल्यूम भी में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना लिया हुआ, चलो एक मोल लिया हुआ, क्या लिया हुआ है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अब ध्यान देना, तो आपको पता है ना कि अगर कंसंट्रेशन का बात करते हैं, कंसंट्रेशन जो भी है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रोलाइट का मोल कितना, वन है, तो वन इंटू भी क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम होगा लीटर में, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो इसके लिए हमको पता नहीं है, बस उसको बोलेंगे क्या, मोल पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं उसको। अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम होगा सेंटर मीटर क्यूब में, तो ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, बस हमको पता है कि अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो उसको मोलरिटी बोल सकते हैं। बाकी के लिए क्या है, जो होगा उसको आप यूज कर सकते हो, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर, ये हो गया कंसंट्रेशन। अब आपको पता है, तो अगर मान लेते हैं ऊपर एक मोल है, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को ऊपर कर ले, तो वॉल्यूम पर ऊपर कर लेगा तो क्या होगा, और कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/c, क्या पुट कर सकते हैं, 1/c, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c। तो यहाँ जो वॉल्यूम आपके एक्सप्रेशन में है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या दिया था, यहाँ पर वॉल्यूम लिया हुआ था, दिख रहा होगा आपको। इस वॉल्यूम के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, इस वॉल्यूम के बदले हम पुट कर सकते हैं 1/c पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, चलो 1/c पुट कर सकते हैं। तो लेमडा एम का एसआई यूनिट्स, ठीक है, लेमडा एम के लिए एसआई यूनिट्स में आपका जो रिलेशन जो बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, चलो लेमडा एम इक्वल टू क्या होगा, के बाई सी। अगर हम बात करते हैं लेमडा एम एसआई में होगा, इसका मतलब के भी एसआई में लेना पड़ेगा, के को भी। अगर मान लेते किसी को आप एसआई में निकाल रहे हो, एसआई यूनिट्स में अगर उसको निकाल रहे हो, तो उसका सारा इनपुट भी क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट्स में होना चाहिए। तो आपका जो के कंडक्टिविटी है, तो यहाँ जो इस फॉर्मूला में जो के का वैल्यू होगा, किसे पुट करोगे, साइमन पर मीटर इनवर्स पुट करोगे, साइमन पर मीटर इनवर्स में आपको पुट करना है के का वैल्यू को, ठीक। सिमिलर बात करते हैं हम कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा मोल, आपको पुट करना किस में, एसआई में, तो एसआई यूनिट में क्या होगा, तो एसआई में वॉल्यूम किस में होगा, चलो मीटर क्यूब में होगा। तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, ऊपर मोल होगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका वॉल्यूम होगा किस में,
मीटर क्यूब में, किसमें होगा चलो मीटर क्यूब में होगा, तो के बाई सी, के बाई सी, तो सी किसमें पुट करेंगे, मोल पर मीटर क्यूब। आप यार इसको ध्यान देना, अगर आप एसआई में निकाल रहे हो तो लैम्डा एम को यानी मोलर कंडक्टिविटी आपको एसआई यूनिट में निकालना है, तो के को पुट करना है साइमन पर मीटर इनवर्स में और सी को पुट करना मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में। तो आपको आपको ये चीज मैं याद दिला रहा हूँ कि वन मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, चलो 1000 लीटर होता है। तो कभी कभी आपको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपलली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 ml होता है, 1 ml होता है, ठीक है। और 1 decimeter cube में क्या होता है, 1 liter होता है, 1 liter होता है। ये आपके पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको समझ में आना चाहिए, इसका आपको यूज करना पड़ सकता है, इसका आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रिलेशन कैसे हम बिल्ड किए। और अगर मान लेते हैं कि के और सी का वैल्यूज मतलब यूनिट्स को पुट कर देंगे तो लैम्डा एम का यूनिट्स क्या होगा, तो सिंपल सा होगा, लैम्डा एम का यूनिट्स क्या होगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा आपका लैम्डा एम का यूनिट, ये हो जाएगा आपका लैम्डा एम का यूनिट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका लैम्डा एम एसआई में कैसे निकालते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चीजों का, ठीक है। इसको जस्ट अब थोड़ा सा बस देखते हैं इसको और कन्वर्ट कैसे करना होगा डिफरेंट यूनिट्स में। अगर मान लेते हैं इसको हमको, अगर मान लेते हैं इसको सीजीएस में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा चीज है ना, अगर आपको सीजीएस में निकालना है, अगर आपको सीजीएस में निकालना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सीजीएस में वैल्यू को निकालना है तो वैल्यूज को पुट करो सीजीएस में। तो अगर लैम्डा एम को सीजीएस में पता करना है तो के भी होगा सीजीएस में, और के जो सीजीएस में होगा क्या होगा, साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन को पुट करोगे किसमें, सीजीएस में, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या पुट करोगे, तो मोल हो जाएगा, और सीजीएस का वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या पुट करना होगा, मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सीजीएस, सीजीएस में पुट करोगे तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा के बाई सी, और के को किसमें पुट करना है मैं बता दिया आपको, और सी को क्या लेना बता दिया हूँ। लेकिन क्या होता है, सी आपको जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मोलरिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मोलरिटी होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन दिया रहेगा मोल बाई लीटर, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में, मोलरिटी दिया रहता है। तो मोलरिटी को सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान देना लीटर को ले सकते हो ना 1000, बस अब आता है ना 1 लीटर में क्या होता है बच्चा, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml होता है, और 1000 ml को आप क्या ले सकते हो, 1000 अलग कर ले, और ml को क्या ले सकते हो, 1 cm² ले सकते हो। तो 1 लीटर को आप ऐसा चूज कर सकते हो, तो यहाँ देखो जो लीटर है उसको 1000 अलग कर दिया, सेंटीमीटर अलग कर दिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन में अगर इसको पुट करेंगे, ध्यान देना, और सी में इसको पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन में मोलरिटी को, देखो ए अपना पार्ट हो जाएगा सीजीएस वाला, और 1000 जो नीचे रहेगा, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ऊपर चला गया है। तो अगर आप मोलरिटी यूज करोगे, अगर आप सी के बदले सी को मोलरिटी के टर्म में अगर यूज करना चाहते हो ना, तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, एक सेकंड होल्ड करना। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप मोलरिटी यूज करना चाहते हो, मोलरिटी यूज करना चाहते हो, ठीक है, उस केस में आप फॉर्मूला आप इसको यूज करना। क्या यूज करोगे, 1000 k by c, 1000 k by आपको c यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं उसको समराइज कर रहे हैं, तो आपका जो मोलर कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, उसको k into भी बोल सकते थे हम लोग। और अगर आपको मोलर कनेक्टिविटी को निकालना है तो हम लोग अगर उसको हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, चलो उसको हम लिख सकते हैं k by c, ठीक है। तो अगर के वाई सी अगर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है उसको एसआई में, तो के का वैल्यू को पुट करना है एसआई में, और सी का वैल्यू पुट करना है एसआई में। सी का एसआई वैल्यू क्या होता है, मोल पर मीटर क्यूब, यानी के वाई सी अगर एसआई में पुट करेंगे तो लैम्डा का एम का वैल्यू भी हमको निकल के एसआई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ में आना चाहिए। सिमिलरली बात करते हैं कि अगर हमको सीजीएस में निकालना है, लैम्डा एम को अगर हमको सीजीएस में फाइंड करना है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, रिलेशन वही रहेगा आपका रिलेशन वही रहेगा। रिलेशन क्या रहेगा, केवाईसी रहेगा। उस केस में अब क्या करोगे, आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यूज को किसमें, तो के का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा किसमें, सीजीएस में पुट करना पड़ेगा। और आपका
जो सी का वैल्यू है सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा सीजीएस में, सीजीएस का वैल्यू क्या होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो सीजीएस का वैल्यू होगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इतना ये आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब पॉइंट यह होता है कि जनरली क्या होता है, जो सी दिया रहता है क्वेश्चन में, तो सी जो जनरल दिया रहता है, तो सी आपका जनरली दिया रहता है कैसा मोलरिटी में, मोलरिटी जो है मोलरिटी क्या होता है बच्चा लोग, मोल पर लीटर, क्या होता है मोल पर लीटर, तो ना ये मोल पर मीटर क्यों हुआ और ना मोल पर सेंटीमीटर क्यों हुआ। तो हम लोग अपने जो के बाई सी का जो इक्वेशन है ना उसको अपने टर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि हमको बार बार उस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज ना करना पड़े, यानी कॉन्सेंट्रेशन मेरा मोलरिटी से काम चल जाए, ठीक है। तो मोलरिटी से काम कैसे चलेगा तो ध्यान देना, तो मॉडिफिकेशन क्या क्या है इक्वेशन में, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी आप क्या कर सकते हो बच्चे लोग, तो ध्यान देना, तो इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी क्या कर सकते हो बच्चे लोग हम लोग, तो इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी देखोगे तो अगर आपको अगर एसआई में निकालना हो, अगर आपको चीजों को एसआई में निकालना हो, एसआई यूनिट्स में निकालना हो, एसआई यूनिट्स निकालने के लिए क्या करोगे, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा के बाई सी हो जाएगा, के बाई सी हो जाएगा। अब इसको हमको सी को अगर पुट करना है किसमें, मोलरिटी में, तो ध्यान देना तो मोलरिटी के लिए आपका रिलेशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना मोलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, के बाई थाउजेंड सी, तो ध्यान देना इसको कैसे बोल रहे हैं आपको, कॉन्सेंट्रेशन ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन को आप ले सकते हो वन बाई वॉल्यूम इन लीटर, क्या होता है मोलरिटी होता है, और आप वन बाई सी को क्या ले सकते हो, वन बाई सी को ले सकते हो लीटर, वॉल्यूम लीटर ले सकते हो, ठीक है। और आपको अगर पुट करना मीटर क्यूब में, आपको पुट करना मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम के बदले क्या कर सकते हो, तो वॉल्यूम जो लीटर में है डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करने से आपको इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको एक बार देख लेना, आप कन्वर्ट कर लोगे इजीली, मैं आपको बस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना आप, अगर अगर मान लें कि आपको एसआई में मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो उसके लिए या तो आप एसआई का यूज करो, यहाँ पे सी क्या होगा, तो सी होगा मोल पर मीटर क्यूब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको कंफ्यूज मत करना आप। लेकिन अगर आपको पुट करना है सी मोलरिटी में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, थाउजेंड सॉरी के बाई थाउजेंड सी, क्या पुट करना आपको, के बाई थाउजेंड सी, तो के ऊपर में है और नीचे क्या है, नीचे थाउजेंड है और इंटू सी है, इस केस में जो सी है ए सी है मोलरिटी, ए सी है क्या है मोलरिटी है, ठीक है, ए सी आपका मोलरिटी हो जाएगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, तो सिंपली है, सिंपली जो है तो इतना आप सोच सकते हैं। तो हमको क्या यूज करना है, के बाई थाउजेंड सी। अगर हमको कोई चीज बोलेगा नहीं, हम सीजीएस से फाइंड करना, सीजीएस से फाइंड करना है, उसके लिए भी उपाय अपने पास है, सीजीएस में करना होगा, तो ध्यान देना अगर आपको सीजीएस में फाइंड करना है तो आपको सिंपल सा के वाई सी यूज करेंगे। लेकिन के वाई सी जब यूज करेंगे वो चलो उस केस में के भी होना चाहिए सीजीएस में और सी भी होना चाहिए सीजीएस में, यानी सी क्या होना चाहिए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमको दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, दिया क्या रहता क्वेश्चन में, दिया रहता हमको क्या दिया रहता वो चलो हमको दिया रहता है क्या, हमको दिया रहता है मोलरिटी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ आपको मोलरिटी पता करना है तो आप सिंपली यूज करना ये वाला फॉर्मूला, थाउजेंड के बाई सी। तो इस केस में जो सी है, इस केस में सी हो जाएगा मोलरिटी और के हो जाएगा सीजीएस में, के हो जाएगा सीजीएस में, के हो जाएगा आपका सीजीएस में, ठीक है, के हो जाएगा सीजीएस में, ठीक है। अब कभी कभी बोलता है कि एसआई का जो मोलर कनेक्टिविटी है और सीजीएस का मोलर कनेक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, तो वन सीजीएस यूनिट इज 10^-4 टाइम्स ऑफ वन एसआई यूनिट, आप ऐसा बोल सकते हो, वन सीजीएस यूनिट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी इक्वल टू 10^4 टाइम्स ऑफ वन एसआई यूनिट, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन। फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप इजीली उसको समझ पाओ कि आपको काम इसमें क्या करना है। तो ध्यान देना आपका जो लैम्डा मैंने मोलर कनेक्टिविटी है, अगर इसको फाइंड करना आपको एसआई में, तो आप फॉर्मूला सिंपली यूज कर लो ना,
के बाई सी, लेकिन यहाँ पे दोनों होगा एसआई में, ये भी एसआई में और ये भी एसआई में। इस एसआई में का बात करते तो एसआई किस में होगा, ये होगा मोल पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर हमको मोलरिटी यूज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा के बाई 1000 इंटू सी, इस केस में सी हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है, यानी मोल पर लीटर। और के किस में होगा, के होगा एसआई में, के होगा एसआई में, ये हो जाएगा आपका एसआई के टर्म में बात। सिमिलरली बात करते हैं, अगर हमको लैम्डा चाहिए सीजीएस में, तो सिंपल फिर से क्वेश्चन क्या रहेगा, के बाई सी, लेकिन के किस में होगा, के होगा सीजीएस में, आपका जो सी होगा सी भी होगा सीजीएस में। सी सीजीएस बोले का मतलब क्या है, सी सी एम बोले का मतलब मेरा क्या है, होना चाहिए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसा कुछ होगा। अब जनरली क्वेश्चन में क्या दिया था, मोलिटी दिया रहता है, अगर मोलिटी के टर्म में स्पेस करो तो ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा 1000 के बाई सी हो जाएगा। यहाँ पे के सीजीएस में है और सी क्या है, सी आपका है मोलरिटी, मोलरिटी सी है आपका मोलरिटी। ये दो रिलेशन आपको पता है। सिमिलरली अगर बोलते हैं कि लेमडा ऑफ सीजीएस, तो लेमडा ऑफ सीजीएस इक्वल टू 10^-4 टाइम्स लेमडा ऑफ एस आई, रिलेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली दो रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं बता दिया कि कब क्या यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप किसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये रहेगा सारा कॉन्सेप्ट अबाउट इसका, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट इतने के साथ अपना कवर होता है, ठीक है।